कबीर ने आज रसिया शब्द का प्रयोग किया है। ये छोटा मोटा शब्द नहीं, ये बहुत बड़ा शब्द है रसिया, रसिक। राम लखन सीता मन बसिया जिसके मन में गुरु की मूर्ति बस जाती है वो रसिया बन जाता है। रसिया शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। ये शब्द ब्रजभाषा का शब्द है। श्री कृष्ण भगवान के लिए रसिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। राम लखन सीता मन बसिया, आगे बोलो। सूक्ष्म रूप धरी से वो अलग है, ये दिखावा हो जाए रसिया में बसिया आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गा दीजिए। जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी से हमारा मैच बैठता है। जितने देवी देवता हैं उनमें सबसे अधिक मैच हनुमान जी से बन जाता है। परशुराम जी से भी मैच खाता है, वो भी ब्रह्मचारी थे, और भीष्म पितामह से भी मैच खा जाता है, वो भी ब्रह्मचारी थे। लेकिन भीष्म पितामह तो कंडीशनल ब्रह्मचारी थे, उनका मन नहीं था ब्रह्मचारी बनने का, लेकिन अपने बाप के कारण वो ब्रह्मचारी बन गए। उनका बाप जो था बहुत व्यभिचारी था, बाप व्यभिचारी तो बेटा बन गए ब्रह्मचारी, क्योंकि बाप बहुत दुखी था विवाह करने के लिए, बुढ़ापे में विवाह। तो कुछ ऐसे समीकरण बन गए, झंझट फंस गया, झंझट के कारण बेटा ब्रह्मचारी बन गया। तो भीष्म पितामह ने भी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। नाम उन्हीं का होता है जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं। ये रोज जो ब्रह्मचारी बनते हैं और रात में फिर व्यभिचारी बनते हैं, इनका कोई नाम वाम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत मेहर कुल्ला है, बेकार आदमी। हाँ, जिंदगी में 20 बार संकल्प लेते हैं ब्रह्मचर्य का। 20 बार इसीलिए लिया है क्योंकि 19 बार फिसल गए हो, तभी तो 20 बार लिया है। एक ही बार हम काम हो जाता, 20 बार संकल्प लिया। हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे, परशुराम भगवान भी थे ब्रह्मचारी थे। परशुराम को मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान राम को नहीं मानता, उनको भी मानता हूँ, क्योंकि वे ब्रह्मचारी नहीं थे लेकिन सदाचारी थे, सदगृहस्थ थे। वे ऐसे थे जैसे हमारे भक्त लोकेंद्र और सुनीता, ऐसे राम सीता, ऐसे थे जैसे हमारे पुरुषोत्तम पटेल और धनमती बाई, धनमती नाम है ना, ऐसे थे जैसे प्रभा और संतोष। बस सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पाऊँ सीताराम, भक्त हमारे संतोष राम। तो राम भगवान गृहस्थ आश्रम में जैसा नियम उनका था वैसा नियम भी कोई बिरले पालन कर पाता है, ये राम कोई साधारण नहीं। अरे गृहस्थी ऐसे भी बहुत जंजाल है। गृहस्थी में एक बार आदमी फंस गया तो जब तक खली और तेल अलग अलग नहीं हो जाएगा तब तक वो कोल्हू से निकलेगा ही। हाँ, बहुत 24 वोल्ट का स्पेलर चलता है, पेराई होती है दुई पाटन के बीच, साबुत बचाना पड़। तो राम भगवान गृहस्थी साधु लाइन से भी ज़्यादा कठिन कार्य है। ये तो जो हिम्मत हार कर भाग जाते वही साधु कहलाते हैं, और जो हिम्मत जुटा करके डटे रहते हैं चाहे खोपड़ी पैर जाए लेकिन हटिब नहीं, वही गृहस्थ। गृहस्थी संत मार्ग से भी ज़्यादा टफ है, हार्ड है, कठिन है, दुखद है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जान बच जाते है, बाकी दशा दुर्दशा सब हो जाते हैं, बहुत आफा काफा है इसमें। हाँ, कुछ हमारे खास भक्त थे, उन्होंने बताया है सब कि जौन जौन दशा भय है, तो कह रहे हैं
एक भक्त का फोन आया हीरा लाल साहू का, बेगूसराय वाले, कह रहे गुरु जी किस्मत वाले हम सब भक्त हैं, जो आप संत बने, वैराग किए, साधु बन गए, हम सबको ज्ञान देते हैं। नहीं गुरुदेव आपो कहूँ गृहस्थी में पड़ जाते हो, हमका ज्ञान कौन देते, हम तो फंसे रहन, अब तुम्हारे ज्ञान समझ मावा, कोई ज्ञान समझ मावत नहीं, तो हम का करते हैं। बोले हम लोग का करते हैं, कहला हम तो ये सोचित हन कि हमरे लिए ही संत बने हो तुम, हमरे सबका उद्धार कर रहे हो। और मैं ये सोचता हूँ कि संत जीवन में हमको जो सुख मिला है और मिल रहा है और मिलेगा, वो सुख शायद विश्व में कहीं है नहीं। भगवान ने भी कहा है सुख अगर है कहीं तो बस संत मिलन सम सुख जग नाही, और नहीं दरिद्र सम दुख जग मन। भगवान राम कहते हैं कि संत से भेंट हो जाए तो जो सुख मिलता है, काकभूषणी के द्वारा कहलाया गया है, गरुड़ जी श्रोता बने हैं, काकभूषणी कहते हैं संत से भेंट हो जाए इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं। अगर सुख ना होता तो ये विमल दोहरे भिंड से नहीं आते, संत के दर्शन में सुख ना होता तो ये जबलपुर, नरसिंहपुर, गुजरात, ये कौसाम्बी और ये दरभंगा वाले साहब, ये बालाघाट, आरा जिला, जांजगीर चांपा, महासमुंद और धमतरी, धमाधम धमतरी, कहाँ कहाँ से लोग, सिंगरौली, राजस्थान, बारा, मिर्जापुर, सब चलते चले आ रहे हैं और कह रहे हैं चलते चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। असंग देव किधर है, ढूंढ रहे हैं, ये भंवरा हैं लोग, भंवरा फूल चाहे जितनी दूर खिला हो वहीं ढूंढ कर जाएगा, गोबड़ौरा उसके पड़ोस में फूल खिला हो फूल में जाएगा ही नहीं, वो जब जाएगा तो विष्ठा में जाएगा, तो जो गोबड़ौरा हैं वो सब विष्ठम पड़े हैं, और विष्ठा की तो कमी नहीं, जगह जगह विष्ठा, विष्ठा बहुत है, और विष्ठा में लोगों की निष्ठा भी बहुत है। विष्ठा के भीतर प्रतिष्ठा है, वो गोबड़ौरा विष्ठा के भीतर घुस जाता है और अंदर अंदर खुश होता है, उसी में गोली बना के निकल के बाहर आता है और लुढ़काता हुआ हाजमोला जैसी गोली निकल जाता है। ये जगत के लोग ये सब विष्ठा में निष्ठा रखते हैं, उसी में प्रतिष्ठा करते हैं और उसी में गोली बना बना के लुढ़काते रहते हैं। राम बिना नर होई हैं कैसा, बाट मांझ गोबड़ौरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछताई हो, या घर से जबवा घर जई हो, या घर से जबवा घर जई हो, कहीं कबीर पाछे पछताई हो, या घर से जबवा घर जई हो, न राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबड़ौरा जैसा। ये बात जो मैं सुना रहा हूँ ये कबीर ने लिखा है, ये तो मैं तो उसकी व्याख्या कर देता हूँ तो व्याख्या में हंसी आ जाती है, हम बिल्कुल खोल देते हैं पूरा जैसे सकते, लेकिन ये कबीर खुद कह रहे हैं बाट मांझ गोबड़ौरा जैसा, राम बिना नर होई है कैसा। यदि राम में निष्ठा नहीं होगी, राम यानी भक्ति, राम यानी धर्म, राम यानी मर्यादा, राम यानी संस्कृति, राम यानी संस्कार और राम यानी सदाचार, संयम, नियम, इसमें अगर निष्ठा नहीं होगी तो तुम भौरा नहीं बन सकते, फिर गोबड़ौरा बनो, और गोबड़ौरा बन करके तो जैसे गोबड़ौरा विष्ठा की गोली बनाकर लुढ़काता हुआ रास्ते में जा रहा है, पगडंडी है और उस पर कोई आदमी निकला, उसने उस गोबड़ौरा के ऊपर पांव रख दिया तो गोबड़ौरा भी मर गया और जो एक घंटे में गोली बनाया था हाजमोला वाली वो भी कुचल गई सब। अब निकलने वाले को ये पता नहीं है कि नीचे कौन दबा जा रहा, कौन मरा जा रहा, कौन कुचला जा रहा, कौन गुझला जा रहा है, वो तो अपने अंदाज से जा रहा है, सब रौंदत फौंदत जूता पहरे
वो मर गए, उसका जिंदगी समाप्त हो गई। तो बाट माने रास्ता, मांझ माने बीच, रास्ते के बीच में गोबड़ौरा वाली दशा हो गई, वह मर गई। तो साहेब कहते हैं ऐसे ही जो लोग विषय वासना की गोलियां बना करके इस जगत की राह में लुढ़काते हुए चलते रहते हैं, रास्ते में ही उनका काल आता है और दबा कर मार डालता है। गुजलिक मर गए, कह रहे गए रहे अस्पताल और मर गए, रास्ते में घर हो लौट के नहीं आई, गोबड़ौरा ही है, भक्ति वक्ति कर ही नहीं पाई, घर से कभी निकल ही नहीं पाए दर्शन के लिए, कबीर धाम तो आना मुश्किल है, जबलपुर गुरुदेव गए हूँ मिले नहीं आए, कहीं बहुत बिजी रहा। तो मरे कहे जब बिजी रहो, जब टाइम ही नहीं है तो मरी कैसे क्यों? अरे बोले मरी गिन तो मरे ही भले टाइम रहे तो आ जाती दर्शन कर लेती, कहीं कहाँ करें गोबड़ौरा रहा बीच में मरी गिन। राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांज गोबड़ौरा जैसा, कहीं कबीर पाछे पछताई हो, या घर से जब वा घर जई हो, या घर से जब वा घर जई हो। राम रसिक, जो राम का रसिया है वही गुरु का रसिया है, जो गुरु का रसिया है वो संत का रसिया है, जो संत का रसिया है वो भक्त का भी रसिया है, वो भक्त का भी रसिया है। ये पक्का है जो राम से प्रेम करता है वो गुरु से भी करता है, और जो गुरु से करता है वो फिर संत से भी करता है, और जो संत से करता है वो फिर भगत से भी प्रेम करता है। ये रसिया होने का मतलब, कहते हैं जहाँ रस, जलेबी में रस होता है ना, हाथ से छो तो हाथ में रस लग जाता है, प्लेट में रखो तो प्लेट में रस टपक के लग जाता है, इसलिए जलेबी पर गाना बना है कि टपकी जाए जलेबी रस की। अब रस की ही है तो टपकेगी क्या, कहीं हुआ माटी की टपक जी, रस की टपकेंगी, टपकी जाए जलेबी रस की, ऐसा गाना बना हुआ है। तो ये भी रसिया का मतलब है, उसके द्वारा रस टपक रहा है, प्रेम का रस, भक्ति का रस, सेवा का रस, भाव का रस, दान का रस, सब टपक रहा है कि सेवा करूं। सेवा बहुत बड़ी चीज है, ये साधारण नहीं। तो आप गुरु की रसिया बनो और गुरु से प्रेम करो।